आज आपको आश्चर्य होगा, हमारे देश में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या तो दुगनी हुई है। मुझे बताया जा रहा था कि ये ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां 7 मेडिकल कॉलेजेस है। इट इज वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जहां 7 मेडिकल कॉलेजेस है, 10 मेडिकल कॉलेजेस है। तो आज हम लोग देख सकते हैं, भारत में एवरी ईयर 50,000 डॉक्टर्स तैयार होते थे, पिछले 10 सालों में 1,00,000 डॉक्टर हर साल हम तैयार कर रहे हैं और अगले 3-4 सालों में 1,50,000 डॉक्टर्स हम तैयार करेंगे। आज जो हमको दिखता है कि डॉक्टर्स की कमी है, ये पूरी तरीके से दूर होगी और सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स भी, पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स भी हम लोग तैयार करें। इतना ही नहीं, भारत में यूनिवर्सिटीज की संख्या ये मोदी जी ने 2.5 टाइम्स बढ़ाई है, 2.5 टाइम्स यूनिवर्सिटी की संख्या बढ़ी है, जिसके कारण हमारे विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ी व्यवस्था यहां पर उपलब्ध हुई है। और ये सब करते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सबसे बड़ी बात मोदी जी ने कोई की होगी तो हमारी भाषा में हम पढ़ सकते हैं। पहले डॉक्टर बनना था, इंजीनियर बनना था, एमबीए बनना था तो केवल इंग्लिश में पढ़ना पड़ता था, अब ऐसा नहीं है। अब कन्नड़ा में पढ़कर भी डॉक्टर बन सकते हैं, कन्नड़ा में पढ़कर भी इंजीनियर बन सकते हैं, कन्नड़ा में पढ़कर भी हम लोग एमबीए बन सकते हैं। ये मोदी जी ने भाषा का बैरियर ये पूरे तरीके से तोड़ दिया और हमारे युवाओं को एक मजबूत इस प्रकार की परिस्थिति यहां पर तैयार करके दी है।